गाइस, दिस इज अनदर वीडियो ऑन डेकोर जहां पे हम इस तरह का ब्रिक वॉल पेंट करना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैबवे। हे गाइस, आई एम इन बैंगलोर। मैं अपनी सिस्टर के घर पर हूँ एंड उनको अपना घर डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा रिसेंटली मैं डेकोर रिलेटेड काफ़ी सारी फोटोज पोस्ट कर रही थी और उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये ब्रिक वॉल पेंट किया है जो कि बहुत ही फन था और उसको करना बहुत ही ईजी है। सो लेट मी शो यू द एंटायर प्रोसेस। पेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्पॉन्ज चाहिए। जिस भी शॉप से आप पेंट लेंगे वहीं पे स्पॉन्ज मिल जाएगा। आप बस देख लीजिए कि इसके एजेस बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। ये आराम से 10-20 रुपीस में मिल जाता है। पेंट करने के लिए आप कोई भी वॉल पेंट ले सकते हैं। हमने ट्रैक्टर इमर्शियल पेंट लिया है। आप जब भी जाएं तो ब्रिक कलर का शेड चूज कर सकते हैं। पेंट को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए हम थोड़ा सा वाटर यूज करेंगे। साथ ही हम पेंट को निकालने के लिए और स्पॉन्ज को यूज करने के लिए एक प्लास्टिक कंटेनर ले लेंगे। ब्रिक में थोड़ा सा शेड देने के लिए हम ब्लैक एक्रेलिक कलर को यूज करेंगे। पेंट को अच्छे से मिक्स करने के लिए हम कोई भी ब्रश ले लेंगे। साथ में हमें जरूरत पड़ेगी एक टेप की। आप इस तरह की डक्ट टेप ले सकते हैं या नॉर्मल सेलो टेप भी यूज कर सकते हैं। और एंड में हमें एक न्यूज़पेपर चाहिएगा ताकि हम इसको अच्छे से फ्लोर पर लगा सके ताकि पेंट उनको खराब ना करे। तो ये हमारी वॉल है जिसको हमें पेंट करना है। इस वॉल में ऊपर की तरफ हम पेंटिंग्स लगाएंगे और नीचे की तरफ हम पेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी वॉल को किसी भी पुराने क्लॉथ से क्लीन कर लीजिए। इस तरह से आप फ्लोर पे न्यूज़पेपर लगा दीजिए और टेप लगा दीजिए ताकि वो न्यूज़पेपर हिले नहीं। सबसे पहले हम कंटेनर में थोड़ा सा पेंट निकाल लेंगे। इसको डाइल्यूट करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और हम ब्रश से अब इनको मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये पेंट थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। अब हम इसकी एक लेंथ पर थोड़ा सा ब्लैक कलर डालेंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कंटेनर के 2/3 पार्ट में सिर्फ रेड पेंट है और बाकी के 1/3 पार्ट में थोड़ा सा ब्लैक पेंट भी मिक्स्ड है। अब आप स्पॉन्ज को इसमें डिप कर लीजिए और इसका एक्स्ट्रा पेंट वाइप कर लीजिए। जिस तरह आप देखते होंगे ब्रिक्स में थोड़ा सा शेड होता है, इस तरह से हमारे स्पॉन्ज में भी एक शेड आ गया है। तो अब हम अपनी पहली ब्रिक बनाएंगे। इसको आप बहुत ध्यान से प्लेस कीजिएगा और इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर दीजिए ताकि इसका अच्छा इंप्रेशन बने वॉल पर। तो आप देख सकते हैं हमारी पहली ब्रिक बन चुकी है और इस पर बहुत ही अच्छा शेड आ गया है। इस तरह से हम बाकी सभी ब्रिक्स भी बना लेंगे। आप थोड़ा सा गैपिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जो ओरिजिनल ब्रिक वॉल्स होती हैं, उनमें ब्रिक्स का हमेशा सेम कलर नहीं होता। कहीं से लाइट होती है, कहीं से डार्क होती है और उनके सारे एजेस कभी 100% स्मूथ नहीं होते। उनमें हल्के हल्के क्रैक्स होते हैं। इस टेक्निक को यूज करके वही नेचुरल लुक आता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इजीली ये वॉल को बना पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है और देखने में बहुत नेचुरल लगता है। तो अब हमारी वॉल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो जब आप ये वॉल पेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि एंड में थोड़े थोड़े कॉर्नर्स रह जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि हम इनको कैसे पेंट करें। उसके लिए आप अपने स्पॉन्ज को थोड़ा सा कट कर लीजिए और इस तरह से आप इस वॉल को कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आपको किसी ब्रिक को थोड़ा सा बढ़ाना हो तो इस तरह से आप स्पॉन्ज को थोड़ा सा आगे रख के उसे ग्रो कर सकते हैं। और अगर एंड में कोई बहुत ही छोटा कॉर्नर रह जाए तो आप उसको ब्रश से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारी वॉल पूरी अच्छे से रेडी हो चुकी है। सो गाइस, इस वॉल का सिर्फ 1/3 पार्ट ही हमने ब्रिक वॉल पेंट किया है। ऊपर की तरफ हमने बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक किचन डेकोर पे वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के प्रिंट लेकर एक पेंटिंग बनाई थी। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह की पेंटिंग्स कैसे बनती हैं।
सो गाइस, हमारी वॉल एकदम तैयार हो चुकी है। नीचे ब्रिक्स का पेंट है और ऊपर हमने बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई हैं। ये हमारी वॉल का फाइनल लुक है। आप चाहें तो इस तरह से बहुत ही लाइट कलर से पूरी वॉल पर ब्रिक पैटर्न बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से एक पिलर वॉल पर भी ब्रिक पैटर्न बना सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का कंप्लीट वॉल डेकोर। ये एक बहुत ही इजी टेक्निक है, आप इस पर अपनी पूरी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, कोई भी कलर्स यूज कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। आप अपने घर का कोई भी कॉर्नर एक बार ट्राई करके देखिए एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मेरे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करिए, और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हर फैब पे। बाय।